नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AGTA बायोमेट्रिक के बारे में, बायोमेट्रिक मिसमैच जो हुआ था उसके संबंध में। जैसा कि आप सबको पता है कि कल से कुछ अभ्यर्थियों के पास एक लेटर गया है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है बायोमेट्रिक मिसमैच के संबंध में। उन्हें 5 तारीख को आयोग बुलाया गया है अपनी बात रखने के लिए, जिसकी वजह से आप सभी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। लगातार आप लोग के कमेंट्स और मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, आप लोग लगातार ही पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या उनके पास कोई लेटर क्यों नहीं आया। तो आप सबको बता दें, जिनका वेरीफाइड लिख के आया था उनके पास तो बिल्कुल भी लेटर नहीं आएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे इस वीडियो में आगे सुनेंगे। मेरी बात हुई है आयोग के एक अधिकारी से, जिसका कि ऑडियो मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ अभी आगे। आप उस ऑडियो को सुनेंगे और आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। और एक बात बता दूँ, जिनके पास ये लेटर आया है उनसे मेरी सुबह ही आज फोन पर बात हुई है, जिसका कि मैं डिटेल आप लोगों को सुबह वाली वीडियो में भी बताई हूँ कि उनसे मेरी जो बात हुई उन्होंने बताया है मुझे, और मैंने एक पोस्ट भी डाल करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। जिनके पास वो लेटर गया है उनका बायोमेट्रिक के टाइम पर रजिस्टर्ड लिख के आया था। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका भी बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है, जिनका भी कुछ प्रॉब्लम है, उन सबके पास लेटर चला जाएगा। तो चलिए आप लोग उस ऑडियो को खुद सुन लीजिए, जिससे कि आपके मन में जो भी असमंजस है, जो भी आपके मन में डाउट्स है, वो सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको ये ऑडियो सुनाती हूँ, एक सेकेंड। हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। वो हमें कुछ जानकारी लेनी थी आपसे। वो कुछ कैंडिडेट्स को ना AGTA वाले में एक लेटर आ रहा है बाय पोस्ट। अच्छा। हाँ, वो बायोमेट्रिक मिसमैच का, और उसमें आप ही का सिग्नेचर है। तो आपका गया है क्या? हाँ सर, मेरा नहीं आया, इसलिए तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरा तो वहाँ पर जब पक्का नहीं है कि इसका संबंधी तो नहीं गया है। हाँ। आपका पहुँचेगा तो आप आना, लेकर जो मंगा गया था अगर नहीं पहुँचता तो आप निश्चिंत रहो, फिलहाल नहीं सकते। अच्छा, तो सर सुनिए, तो मेरा ना वहाँ पे जब बायोमेट्रिक हुआ था तो वहाँ पे वेरीफाई हो गया था, तो हमें तो नहीं आएगा ना? हाँ हाँ, हो गया था। नहीं सर, हो गया तो कह जाएंगे, नहीं क्लियर हुआ था वो नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सर ये बताइए हमें कि कुछ लोगों का जो रजिस्टर्ड लिखा था उनका भी आएगा? जिसे जब बायोमेट्रिक कराया गया था तो जैसे हमारा वेरीफाई आया, कुछ लोगों का जो मिसमैच हुआ तो उनका रजिस्टर्ड लिखा हुआ था, तो उन सबको जाएगा? अब जो भी हो, मतलब कि जिनका नहीं मैच हुआ होगा उन्हीं को जाएगा, जिनका क्लियर हो गया उनका नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, तो क्लियर हो गया तो आप। अच्छा अच्छा, तो सर 8-9 तारीख में मेरी एक फ्रेंड का मिसमैच हुआ था, तो क्या उसको आएगा? पता नहीं, अगर गया होगा तो क्या देखे। तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुन लिया, यहाँ पे आपका सारा जो भी डाउट्स है वो दूर हो गया है। जिनका वेरीफाइड है उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग खुद सोचिए कि जो भी प्रॉब्लम थी आयोग के पास, वो अगर आयोग चाहता तो इसको बहुत आगे खींच सकता था आयोग, मतलब आपको इसको मार्च के लास्ट तक, लेकिन अप्रैल तक इसको खींच के ले जाया जा सकता था। बस एक ये कह के कि कमेटी का गठन करना है और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जा रहा है। जिनके भी बायोमेट्रिक मिसमैच था, जिनका भी बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ, तो उन सबको बहुत जल्दी 5 तारीख को बुलाया जा रहा है। और UP SSC के जिस रवैये से, जिस तरह से आप लोग वाकिफ़ हैं, जिस तरह से UP SSC काम करता है, और इतनी जल्दी अगर वो कोई कमेटी बना के और उसके बाद चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। और इसको हम लोग को पॉजिटिवली लेनी चाहिए और हम लोगों को खुश होना चाहिए कि काम जल्दी जल्दी हो रहा है। ये उम्मीद है कि चल ये 5 तारीख तक ये जो भी अपना बायोमेट्रिक वाला मिसमैच वाला प्रॉब्लम है उसको ये निपटा देंगे, उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि 10 तक ये लिस्ट जो है डिपार्टमेंट भेज दे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे जो जानकारी मिली मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस नोटिस की वजह से। तो आप लोगों को परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। जिनके पास अब उन्होंने साफ साफ कहा है, जिनके पास लेटर जाता है उनको वहाँ जाने की ज़रूरत है, जिनके पास नहीं जा रहा है तो वो लोग निश्चिंत रहें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सबको बोलूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए आपको, वीडियो आपको यूजफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।